हेलो आईसीसी क्लास टेंथ बोर्ड एग्जामेश्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू स्टूडेंट मैथमेटिक्स में ग्राफ पेपर चाहिए तीन ग्राफ के क्वेश्चन आने वाले हैं ग्राफ पेपर कैसा होगा ग्राफ पेपर में क्या डिटेल्स डालनी है ग्राफ पेपर कैसे यूज करेंगे स्टूडेंट और ग्राफ पेपर के लिए आपको कैसे सप्लीमेंट मतलब नंबर लिखना है वो सारी चीजें आपको वीडियो मालूम पड़ेगी स्टूडेंट ग्राफ पेपर में सबसे पहले इंडेक्स नंबर इंडेक्स नंबर में आपका ई e डैश सेवन डिजिट स्टूडेंट रहेगा जो कि आपके हॉल टिकट पे मेंशन है वो आपको इंडेक्स नंबर लिखना है ग्राफ पेपर डेफिनेटली जो सब्जेक्ट है मैथामेटिक्स में ही सिर्फ यूज होगा स्टूडेंट तो मैथामेटिक्स सब्जेक्ट आपका आ जाएगा और क्वेश्चन नंबर मेन क्वेश्चन नंबर और फिर सब क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट मेन क्वेश्चन नंबर यहां पर रहेगा सब क्वेश्चन नंबर मेन क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद सब क्वेश्चन नंबर आपको ब्रैकेट में लिखना है इसके बाद स्टूडेंट्स आपको आता है इंडेक्स नंबर इंडेक्स नंबर भी स्टूडेंट हॉल टिकट में है जिसमें स्लैश जो आपका सीरियल नंबर जीरो जीरो, बारे जीरो जीरो टू वो आपको लिखना पड़ेगा और इंडेक्स नंबर स्टूडेंट ये ग्राफ पेपर स्टूडेंट देखिए 2018 का स्टूडेंट्स है ये ओरिजिनल ग्राफ पेपर है बोर्ड एग्जामिनेशन का बफर कितना है 2018 का है और इस साल के लिए आईसी ट्वेंटी ट्वेंटी लिखा रहेगा या तो आईसीसी सेमेस्टर टू लिखा रहेगा स्टूडेंट्स बोर्ड का जो ओरिजिनल सप्लीमेंट है सेमेस्टर टू का वो भी मैं आपको बताऊंगा पर अभी कुछ दिन के बाद स्टूडेंट्स अभी नहीं स्टूडेंट्स ये ग्राफ पेपर देखें कैसे यूज़ करेंगे आप टू एम का ग्राफ पेपर है तो आपको यूज़ करना है लास्ट का जो फर्स्ट टू एम है उसको आप रखिए मार्जिन मतलब उसको आप लिखने के लिए यूज़ कीजिए तो आप क्या कीजिए एक टू एम की लाइन को ब्लैंक रखिए सेकेंड लाइन से आप स्टार्ट करेंगे तो सेम ऐसे स्टूडेंट बॉटम में से भी आप एक लाइन ब्लैंक करके सेकेंड लाइन से आपको स्टार्ट करनी है और इंटरसेक्शन पॉइंट को जीरो डालना स्टूडेंट एरो मार्किंग सबसे इंपॉर्टेंट है ये याद रखना आपके तीन ग्राफ पर रहेंगे रिफ्लेक्शन का एक ग्राफ पर रहेगा ओजाइब में और एक तीसरा हिस्टोग्राम स्टूडेंट हाँ स्टूडेंट्स मैं आपको इस ग्राफ पेपर पे तीन क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व करके डेफिनेटली मैं आपके लिए